कि स्कूल के टाइम पे बहुत सारे बच्चों का माइंड जो है वो भटक जाता है, एंड लड़कीबाजी, गलत आदतें स्कूल के एज में ही, ये थोड़ा सा मतलब पेरेंट्स को परेशान करता है कि मेरा बच्चा भटक रहा है। तो उस केस में क्या उनको सही डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि बच्चे तो सुनेंगे नहीं, तो क्या पेरेंट्स कुछ कर सकते हैं, और अगर कुछ बच्चे जो हैं जो सच में अपना एडिक्शन या छोड़ना चाहते हैं तो दोनों के लिए आप बता दीजिए। जिस तिथि पर बच्चे का जन्म हुआ है, डेट नहीं तिथि, जैसे कृष्ण पक्ष की पंचमी पे हुआ या शुक्ल पक्ष की अष्टमी पे हुआ, जिस दिन भी उस बच्चे का तिथि अनुसार जन्म हुआ है, उसी तिथि को, हर महीने में वो तिथि आएगी, उसी तिथि को उस बच्चे का हाथ लगाकर 5 चीजें मंदिर में दान करा दीजिए। फल, कपड़ा, अन्न, साथ में आप कोई भी धातु, चाहे आप तांबा ले लीजिए, चाहे आप चांदी ले लीजिए, जो आपका मन है, और कोई क्वांटिटी नहीं है कि इतना भारी होना चाहिए, छोटा सा छोटा भी, लेकिन एक धातु होनी चाहिए, और साथ में कोई भी पेय पदार्थ, जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, छाछ हो गई, नहीं तो आजकल गर्मियों का मौसम है तो आप आम का पना बना सकते हैं, या आप कोई शरबत बना सकते हैं, ये आपको मंदिर में चढ़ा देना है बच्चे के नाम से, उसका हाथ लगा के। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने कहा ना, ये अवस्था चंद्रमा के कंट्रोल की है, और चंद्रमा को बहुत जल्दी जो प्रभावित कर लेता है वो है राहु, और राहु हमेशा बच्चों को ऐसी दुनिया दिखाता है जो बहुत अट्रैक्टिव होती है, ग्लैमरस वर्ल्ड। मेरी भी गर्लफ्रेंड होगी तो सब मेरी बहुत प्रशंसा करेंगे, सिगरेट पीऊंगा तो मैं टेंशन मार सकूंगा, कूल लगूंगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये राहु के कंट्रोल में है।